सिर्फ पेट को कम करने के लिए, कई लोग ऐसे हैं कि ये सोचते हैं कि सिर्फ पेट को कम करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करें जिससे कि हमारा सिर्फ पेट ही पेट कम हो। तो देखिए, ऐसी कोई सी भी एक्सरसाइज नहीं है जो सिर्फ आपके बेली फैट को कम कर दे, क्योंकि जब हम बेली फैट की एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें हमारी साइड मसल भी इंगेज होती है, थाई मसल भी इंगेज होती है और चेस्ट और लोअर बैक भी इंगेज हो जाती है। तो आप सिर्फ बेली फैट को कम करने के लिए अगर एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आप सही वीडियो पर आए हैं। तो वीडियो पर अंत तक बने रहें। तो आज की वीडियो में मैं आपको बेली फैट के लिए प्रॉपर आसन बताऊंगा, जिसको आपको अगर आप प्रतिदिन इसका अभ्यास करते हैं, आधे घंटे भी रोज इसका अभ्यास कर लेते हैं, तो आप आसानी से अपने बेली के फैट को कम कर सकते हैं। साथ ही साथ में हिप का फैट, थाई का फैट और अपर बैक का फैट भी कम हो जाएगा। तो आएंगे अभ्यास के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले आप दंडासन में बैठ जाएं, कमर गर्दन को सीधा रखें और फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले नॉर्मल एक्सरसाइज करें, सिर्फ स्ट्रेचिंग। तो आपने क्या करना है, दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, श्वास भरते हुए आसमान की ओर उठाएं और इस प्रकार सीधे साइड मुड़ें और फिर श्वास भरते हुए वापस और श्वास छोड़ते हुए बाईं साइड मुड़ें इस प्रकार और फिर श्वास छोड़ते हुए आगे जाएं और फिर श्वास भरते हुए वापस आएं। तो इस प्रकार आप थोड़ी बहुत पहले स्ट्रेचिंग कर लें। अब इसके बाद आपको दोनों एल्बो को मैट पे रखा, दोनों लेग को एक साथ लिफ्ट किया और पूरा साइकिलिंग करें, 5 टाइम क्लॉक और 5 टाइम ही एंटी क्लॉक, इस प्रकार आप इसका अभ्यास करें। जब आप 5 बार सीधे साइड और 5 बार उल्टे साइड कर लेते हैं तो दोनों पैरों से एक साथ साइकिलिंग करनी है आपने 10 टाइम, इस प्रकार उठाएं 1। तो इस प्रकार आप 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार ही एंटी क्लॉक इसका अभ्यास करें। जब आप इसका अभ्यास कर लेते हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स करें और इस प्रकार दोनों हाथों को पीछे रखते हुए एक साथ दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, इनहेल करते हुए श्वास को भरते हुए इनहेल अप और एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एक्सहेल डाउन, इनहेल अप और एक्सहेल डाउन। इस प्रकार इसका जब आप अभ्यास कर लेते हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स करें। ध्यान रहे कि आप पेट पर हाथ ना लगाएं, क्योंकि आपकी कोर मसल एक्टिव हो जाती है और वार्म अप हो जाता है। अगर आप पेट पर हाथ लगाते हैं तो लूज मोशन हो सकते हैं और वार्म अप भी खराब हो सकता है। तो जब आप इसका अभ्यास कर लें, इसके जस्ट बाद आपको आना है, पहले आएं शशांकासन में। इस प्रकार शशांकासन लगाएं और श्वास भरते हुए यहीं से भुजंगासन में जाएं। आराम से पहले भुजंगासन में बिल्कुल आराम से जाएं कि आपकी कमर दर्द ना हो। फिर फीट को टक इन करें और एक्सहेल करते हुए श्वास को छोड़ते हुए पर्वतासन में जाएं। ध्यान रहे घुटना सीधा रहे, एड़ी जमीन पर, दोनों हाथ सीधे और फिर श्वास भरते हुए यहीं से भुजंगासन, फिर एक्सहेल पर्वतासन भुजंगासन। इस प्रकार आप 20 से 25 बार भुजंग और पर्वत का अभ्यास करें। जब आप इसका अभ्यास कर लेते हैं तो इस प्रकार आप अपर प्लैंक में आए, दोनों हाथों को कंधे की सीध में रखते हुए दोनों पैरों को सीधे और हिप बिल्कुल आपकी स्ट्रेट इन लाइन हो जाए और होल्ड रखें इस प्रकार सामने देखते हुए 25 सेकंड, 30 सेकंड, जब तक आप इसका होल्ड कर सकते हैं होल्ड रखें, 5 से 6 होल्ड लगाएं आप और फिर साइड प्लैंक, दोनों पैरों को सीधा किया, सीधे हाथ को जमीन पे रखा, बाएं हाथ को ऊपर उठाया और इस प्रकार होल्ड रखें जब तक आप इसको रोक सकते हैं। 5 सेट करें 20 सेकंड 25 सेकंड के और फिर थोड़ा सा रिलैक्स। सिर्फ आप इतना ही अभ्यास कर लेते हैं तो आपके बेली का फैट, साइड फैट, हिप फैट और अपर बैक लोअर बैक फैट आराम से कम हो जाता है। पूरे तरीके से फैट नहीं घटता, ये सारा का सारा आपके खान पान पर डिपेंड करता है। तो आपने क्या करना है, खाना आप जितना भी खाते हैं कम खाना खाएं, भूख रखें अंदर, आपको भूख हमेशा लगी रहनी चाहिए। ये नहीं कि आपने अत्यधिक खा लिया और भूख भी मार दी, नहीं, भूख लगी रहनी चाहिए तभी आपका फैट कम होता है। और एक्सरसाइज से पहले आप गर्म पानी में 1 चम्मच शहद और आधा नींबू डालकर ही पीकर आप इसका अभ्यास करें, जिससे आपकी स्वेटिंग अधिक होगी और तेजी से आपका वेट लॉस भी होगा और आपकी एनर्जी भी पूरी बनी रहेगी। तो आज का हमारा अभ्यास बस इतना ही था, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।